Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. So right now it's 1:10 a.m. in the morning and I'm getting ready for my flight. So let's get ready together. I've already done my skincare, जिसमें मैंने serum moisturizer लगाया है. Now I will be jumping to the primer. And for primer, what I'm gonna use is this one from Rene. And ये वाला primer मैं काफी time से use कर रही हूँ. It's called something. It's called Bollywood filter. काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स वेरी नाइस. माई स्किन फील्स गुड, माई मेकअप लुक्स वेरी नाइस इसको लगाने के बाद. काफ़ी टाइम से आई बीन यूजिंग दिस फाउंडेशन फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी कॉल्ड एयरब्रश फ्लॉलेस. या एवरेज फ्लॉलेस बिकॉज ये इसका नाम भी फेड हो चुका है बिकॉज काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक अ पी साइज अमाउंट ऑन माय हैंड. अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है सो दिस मच शुड बी इनाफ. और मैं क्या करूँगी, जो मेरा ब्लेंडर है this one's from beauty blender the brand is beauty blender which is really nice. so I'm gonna isko main thoda sa geela karungi, completely geela karungi. ye mujhe pehle karna chahiye tha. isko maine completely geela kar liya hai. now I'm gonna take this towel. isme main isko dal ke squeeze karke pura thoda sa ye sook jayega, almost 80% sook jayega. और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे ही यूज़ करना चाहिए. ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते. सो आई एम गोना थ्री डॉट्स दिस साइड, थ्री डॉट्स ऑन द अदर साइड, सम ऑन माय फोरहेड, नोज, चिन. जो लेफ्ट ओवर है वो मैं अपनी लिड्स पे लगा दूंगी. नाइस. अब मैं जो बचा हुआ था उसको ब्लेंडर से ही साफ करके आई एम गोना ब्लेंड एवरीथिंग. काफी टाइम से आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद फ्लाइंग हेयर. बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू एडजस्ट विद द काइंड ऑफ फ्लाइंग एनवायरनमेंट वी हैव इन एतिहाद. इट्स वेरी बिजी. बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग, यू हार्डली हैव टाइम फॉर एनी थिंग. तो मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रही थी यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए. बट रिसेंटली आई डिसाइडेड दैट इफ आई कैन वाई नॉट, बिकॉज आई इन्जॉय मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़. तो अभी आई एम ट्राइंग टू स्टे मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज फॉर यूट्यूब. स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे आई एम क्वाइट एक्टिव. इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा कि मैं रील्स काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करती हूँ. मोस्टली मैं गेट रेडी विद मी लाइक आउटफिट वाली वीडियोज़ बनाती हूँ. सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे कनेक्टेड. My Instagram ID would be SHIVANIDUGGALL Shivani Dugal. That's it. So follow me on Instagram if you don't. And YouTube पे तो videos आते ही रहेंगी. So yeah, I was saying कि Etihad Airways में the flying is quite busy, but it's very nice. I have been with many airlines before. This is like my fourth airline to work with as cabin crew. This one is like my favorite. So I'm enjoying flying the most with Etihad Airways here. So I think mera foundation acche se blend ho chuka hai.
Next step would be getting my brows done. As you can see, my brows are very light, like zyada meri growth nahi hai. Sorry. So for brows, I am using Benefits Goof Proof Brow Pencil. This one's like so nice. This is in the shade, what shade is it? 2.75, which is more on the brown side. I'm gonna use this mirror. I think pure makeup mein jo sabse zyada time mujhe lagta hai, I would rather use this mirror. Sabse zyada time mujhe lagta hai brows banane mein, because I want them to be like perfect. थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मुझे नहीं चाहिए, वरना मुझे इरिटेशन सी लगी रहती है. थोड़ा सा शेप दे रही हूँ मैं उनको. सो मुझे ब्राउज थोड़ी पॉइंटेड स्ट्रेट पसंद है. आई डोंट लाइक दिस शेप. आई लाइक देम टू बी लाइक दिस. सो व्हाट आई डू इज आई होल्ड फ्रॉम हियर एंड देन आई ट्राई टू ड्रॉ धीरे धीरे. एंड दिस आई टेक इट लाइक दैट. कैन यू सी द शेप? लाइक दिस इज व्हाट आई लाइक. साथ ही में मैं थोड़ा सा मैं लूज पाउडर है, ये रेवोल्यूशन से है, तो मैंने इसे यहाँ पे ले लिया. थोड़ा सा लूज पाउडर मैं अंडर आइज में लगा लूँगी, सो दैट तब तक ये सेट हो जाए. वैसे अंडर आइज पे मैं ज़्यादा फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही केकी लगता है. सो ये थोड़ा सा मैंने, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू योर अंडर आइज. इसको लगा के छोड़ दूंगी, रेस्ट में डस्ट ऑफ कर लूंगी. सो या मूविंग ऑन टू माई आई शैडो. ये वाला शेड मैं थोड़ा सा ऐसे लूंगी अपनी फिंगर से और इसको अपनी लिप पे लगा लूंगी. आई रियली लव द काइंड ऑफ कलर्स दे हैव चोजन इन एतिहाद. Your makeup looks very minimal yet chic. जिन एयरलाइंस में मैं पहले थी, it was like too much of makeup requirement. Like it's not like आप काम पे जा रहे हो, it's like you're going on some fashion event wherein you're wearing so much makeup. So look how minimal it looks, and at the same time it looks very chic. ऑल्सो क्योंकि मैंने अपनी आई लैशेज करवाई हुई हैं अभी, यू कैन सी दे आर क्वाइट थिक. सो आई एम नॉट गोना पुट मस्कारा और आई लाइनर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वेन योर लैशेज आर क्वाइट हैवी यू शुड पुट मोर, बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी, आई डोंट नो, बहुत हैवी सा लुक मिलेगा. जस्ट थोड़ा सा जो शेडो लैशेस पे डेवलप हुआ है उसको मैं डस्ट ऑफ कर लूंगी अपने ब्लेंडर से ही ऐसे, सो दैट मेरी लैशेस भी ना टूटे, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेशल समथिंग विच इज अबाउट टू कम इन अ फ्यू डेज, स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ. तो आई हैव टू सेव माई लैशेज फॉर दैट डे, बिकॉज इसके बाद मेरे ऑफ्स नहीं है एंड आई डो नॉट हैव टाइम टू गो एंड गेट दैम डन. तो मुझे पहले ही एडवांस में करवानी पड़ी थी एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गेटिंग द लैशेज डन. सो आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी, बट या आई गॉट दैम डन. सो ये हो चुका है आई शैडो. नेक्स्ट स्टेप वुड बी ब्लश. So I am using this one from Rare Beauty in the shade Hope, and this has lasted me so long. ये expensive hair blush,
undoubtedly, but it stays so long. I think I don't even remember मैंने कब लिया था ये. I think 7 months हो गए होंगे शायद, and it still has a lot inside. But मुझे लगा कि काफ़ी time से मैं same blush use कर रही हूँ, so I need to buy a new one. तो मैंने एक नया blush लिया है जो मैं जल्दी आपको अपनी अगली makeup videos में दिखाऊंगी, which is very nice, and I wanted to buy that blush for so long. So stay tuned. मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, I'm just gonna put two dots here and two dots here, one on my nose, one on my chin, one here, one here. Now I'm taking my blush and I'm gonna blend it. Kyunki it's kind of a night flight, तो मैं डार्क लिपस्टिक लगाऊंगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारी एतिहाद एविस वाली, जो एतिहाद एविस की स्टेपल लिप कलर है, विच इज पर्पल, काइंड ऑफ पर्पल पिंक. तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर भी लगाऊंगी. यूजुअली डे फ्लाइट्स में आई डू नॉट वेयर हाइलाइटर बिकॉज वो बहुत, आई डोंट नो, I'm wearing a, I use a good brand, but मुझे नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा loud लगे, इसलिए मैं दिन में highlighter थोड़ा avoid करती हूँ. Can you guys see the blush? I think it's enough. या थोड़ा और लगाऊँ? I think it should be okay. I'm doing a very minimal makeup because nowadays I start, you know, I love doing minimal makeup. Makeup है भी but नहीं भी. तो ये वाला भी मैं अपनी फिंगर से ही लगाती हूँ क्योंकि ब्लेंड अच्छे से हो जाता है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल पिंक हाइलाइटर फ्रॉम शार्ली टिल्बरी इन द शेड ग्लो गैजम पिंक. सो जस्ट गोना वेयर इट नाइसली ब्लेंडेड. और इस हाइलाइटर की खास बात ये कि अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी लगा लो ना तो भी ये बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है. आई डोंट नो अगर लाइट की वजह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मतलब दीज प्रोडक्ट्स आर लाइक माई ट्राइड एंड टेस्टेड वंस, सो आई स्वेयर बाय देम, आई लव देम. आई डोंट सी माई सेल्फ चेंजिंग एनी ऑफ माई लाइक करंट मेकअप प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू. सो या this one is so nice. Also this lasted me for so long, same 6-7 months, and it still has a lot. So here I have my lip combo. So I use this lip liner by K Beauty in the shade High Impact, and the lipstick is from Sephora, beautiful purple pink color. And the number is 38. So the thing about Sephora lipsticks, or the matte ones, is that they are very very dry. They make your lips very dry. So पहले मैं क्या करूँगी कि lip liner लगा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा lip balm और उसके ऊपर ये लगाऊँगी तो my lips will feel a bit better. Otherwise मुझे वो dryness feel होती रहेगी. Lip liner is done. मेरे lips dry ना लगे ज़्यादा, हल्का सा लूँगी बिल्कुल. और ऊपर भी. It's fine. Isn't it a beautiful color? It is. So the makeup is pretty much done. I'm just gonna wear my studs. These ones are from Swarovski and very nice Swarovski crystals. And iske baad main karungi apna hair. And then I'll wear my uniform and show you all the final look.
बट वॉट डू यू गाइज लाइक लाइक आप लोगों को मिनिमल मेकअप पसंद है और यू गाइज लाइक लाउड मेकअप, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. गुड टू नो. आई वॉन्ट नो वट आर योर मेकअप प्रेफरेंसेज. आई स्टिल हैव सो मच टाइम. मैं बहुत ही जल्दी रेडी हो गई हूँ आज, बिकॉज मुझे लगा मेरी वीडियो बनाऊँगी तो मुझे टाइम लग जाएगा. शुड आई जस्ट एड सम काजल? नो, आई डोंट नो बिकॉज काजल लगाना इजी है, बट काजल को रिमूव करना इज सच अ हेडेक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग द बन. एंड आई थिंक आई विल वेयर द यूनिफॉर्म फर्स्ट एंड देन मेक माई बन. दैट वुड बी बेटर. सो आई बी बैक. ओके, फॉर नाउ आई एम जस्ट वेयरिंग माई ब्लाउज एंड लेट्स स्टार्ट विद द बन. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम गोइंग टू ब्रश माई हेयर. अच्छे से ब्रश कर लूंगी. नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दिस सीरम, यू कैन कॉल इट. तो आई वॉन्ट टू अवॉइड यूजिंग हेयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे ऑफ कोर्स दे डैमेज योर हेयर एंड स्टफ लाइक दैट. सो ये मैं हेयर सीरम बनाती हूँ. सो समबडी बैक इन द डेज व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टोल्ड मी टू यूज दिस, अवॉइड हेयर स्प्रे एंड हेयर क्रीम्स. और तब से मैं ये यूज़ करती हूँ. इट वर्क्स फॉर मी. आई डोंट नो दूसरों के लिए काम करे या नहीं, बट मेरे बाल इससे बहुत स्लीक रहते हैं व्हेन आई मेक अ बन. एंड यूजुअली माई हेयर आर वेवी एंड दे डोंट स्टे इन द प्लेस इफ आई डोंट यूज द हेयर प्रोडक्ट. सो व्हाट आई डू इज, इंडिया में वी हैव दिस आलमंड ऑयल कॉल्ड बादाम रोगन विच इज़ क्वाइट थिक इन कंसिस्टेंसी. तो मैं इतना सा वो ले लेती हूँ और बाकी का अमाउंट सारा पानी होता है और उसको अच्छे से मिक्स करके यूज़ करती हूँ. एंड दिस लास्ट मी फॉर सो लॉन्ग एंड मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इफ इट वर्क फॉर यू. सो दिस इज हाउ आई स्प्रे इट ऑल ओवर. इससे थोड़े बाल स्टिकी हो जाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स इसमें ऑयल है, बट नॉट एज स्टिकी एज यू नो यूजिंग अ हेयर ऑयल. सो दिस इज बेटर. एंड एनी वे हेयर क्रीम और हेयर स्प्रे से भी बाल खराब तो होते हैं, स्टिकी होते हैं, बट दिस इज स्टिल बेटर. मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्प्रे कर लिया है इसको और मैं अब ये जो पतली वाली टेल कॉम होती है इससे आई फिल स्टार्ट कॉमिंग एवरीवेयर. एंड यूजुअली मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ. सो टुडे आल्सो आई एम गोना मेक अ सेंटर पार्टीशन. सो आई एम गोना टेक द टेल ऑफ द कॉम. A bit more on the sides. Usually, oh, एतिहाद में अगर हम कैबिन क्रू बन की बात करें तो हमारा दे प्रिफर अस टू मेक अ लो बन. सो यूजली हमारा रिकमेंडेड जो हेयर स्टाइल है वो है लो बन. एंड स्टार्टिंग से ही आई यूज टू मेक लाइक लिटल हाई बन. तो लो बन में आई एम नॉट लाइक दैट कम्फर्टेबल, बट ऑनेस्टली लंबी फ्लाइट्स की बात की जाए तो लो बन काफ़ी सही रहता है बिकॉज यू कैन मेक इट अ बिट लूज एज वेल और बाल भी अच्छे रहते हैं. सो फॉर अस आवर सिग्नेचर टाइप ऑफ हेयर स्टाइल इज अ लो बन. ऑल्सो अ फ्रेंच ट्विस्ट इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट, बट मैं फ्रेंच ट्विस्ट तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि I don't know, I just for now I'm not a big fan of French twist. So मैं इतना नीचे अपना बन बनाने वाली हूँ आज. Use this big net for the bun. I think it's called 360 something like that. 360 net or something like that.
Etihad join karne se pehle I used to use that the other one which used to be the smaller one. But now with time I have evolved, you know, as a person my skills have evolved and in Etihad they ask us to use this one. So maine ye kya U pin mein laga ke usko upar fix kar diya hai. Now I'm gonna take all, put all my hair inside the net like this. Can you see that? Now I'm gonna twist it. Twist and turn. Twist and turn. So if you can see, this is how it looks. And I'm gonna start inserting the bobby pins. I take the bobby pin और जो baby hair है उनको मैं यहाँ पे bobby pin से अच्छे से secure कर लूँगी. Bobby pins as per standards. So I'm gonna put two in the bottom, two here. Just to secure my hair properly. Now let's move on to the scarf. This is how we tie it. And honestly, अभी तक मैंने जितनी भी एयरलाइंस में काम किया है, Etihad Airways की यूनिफॉर्म जो है, this is the most comfortable and most favorite uniform of mine. पहले मेरी एमिरेट्स की यूनिफॉर्म बहुत फेवरेट हुआ करती थी. आई यूज टू लव एमिरेट्स यूनिफॉर्म बट नाउ आई थिंक दिस इज द बेस्ट. आई लव इट द मोस्ट इन द वर्ल्ड. द जैकेट and my watch. And finally, the famous and my favorite part of the uniform, which is the hat. And I am done. I hope you liked this video and my Etihad Airways cabin crew makeup tutorial. This makeup tutorial is not only for how we dress up in Etihad as cabin crew, but in general also you can implement this one because it's very basic and easy makeup. And if you like this video, you know what to do, right? You have to subscribe, like, comment, share. That's it. I will see you guys in my next video very soon. Till then, enjoy, take care, bye.